प्लेबैक सिंगर सुधा मल्होत्रा। इन्होंने 50s में, 50 के दशक में बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारे गीत हिट हुए। कश्ती का खामोश सफ़र है, शाम भी है तन्हाई भी, या सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, ये हाथी अपनी दौलत है, भजन याद कीजिए, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, और वो जो कव्वाली है रोशन साहब के कंपोज की हुई, साहिर साहब की लिखी हुई, ना तो कारवां की तलाश है, की तलाश है मेरे शौक के खाना खराब को, तेरी रह गुजर की तलाश है बाद में। ये कव्वाली 5 लोगों ने गाई है, इनमें से सुधा जी भी एक सिंगर हैं। 50s में सुधा जी का अच्छा खासा नाम हो गया था। उसी दौरान सुधा जी का रिश्ता शिकागो रेडियो के मालिक मोटवानी खानदान में तय हो गया। बहुत पैसे वाले रईस, ऊंचा परिवार। आप जानते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि वो दौर ऐसा था जब फिल्म वालों को हे दृष्टि से देखा जाता था। फिल्मों में काम करना या नाटकों से जुड़े होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन ये जानते हुए भी कि सुधा एक प्लेबैक सिंगर हैं, फिल्मों में गाती हैं, उनके होने वाले ससुराल वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन शादी से ठीक पहले एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया कि उन्हें फिल्मों को अलविदा कहना पड़ा। सुधा मल्होत्रा के करियर को आगे बढ़ाने में साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने सुधा मल्होत्रा के लिए बेहतरीन गीत लिखे। उस जमाने में सुधा मल्होत्रा और साहिर की नज़दीकियों के किस्से भी चर्चा में आने लगे थे। सुधा मल्होत्रा की शादी से ठीक पहले अचानक एक रोज़ ब्लिट्स न्यूज़पेपर ने सुधा और साहिर लुधियानवी की कुछ तस्वीरें छाप दी। इन तस्वीरों की झलक से लगता था कि अंतरंगता है दोनों में। सुधा की जिंदगी में भूचाल तो आना ही था, शादी तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो भविष्य में फिल्मी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ससुराल में भूचाल आ जाए, ससुराल वाले अपनी बहू की तस्वीरें देखें अखबार में कि वो किसी गैर मर्द के साथ बैठी हुई है, तो भूचाल आना तो था, तो ये कंडीशंस रख दी गई और सुधा ने भी सारी कंडीशंस मान ली। अब हम बात करेंगे कि सुधा मल्होत्रा जी ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था। सुधा मल्होत्रा जी का कहना है कि जिस किसी ने भी वो तस्वीरें छपवाई थी, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही रही होगी कि मेरी शादी ना हो पाए, और ऐसी मंशा रखने वाला और कौन हो सकता है सिवाय एक आदमी के, और वो आदमी होना चाहिए साहिर लुधियानवी। हालांकि आगे चलकर ब्लिट्स अखबार ने खेद व्यक्त किया था और माफी भी मांगी थी, लेकिन सुधा जी का ये विश्वास था, साहिर तो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत इश्क में थे सुधा मल्होत्रा के। और ये बताना चाहूंगा कि सुधा जी बहुत सुंदर हुआ करती थी। लास्ट बार जब मैं मिला हूं उनसे, तब भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। अब साहिर के साथ उनकी कितनी अंतरंगता थी कि नहीं थी, कि साहिर लुधियानवी का ये ख्याली पुलाव था कि सुधा भी उनसे प्यार करती हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए इतने बेहतरीन गीत लिखे हैं, उसके करियर को आगे बढ़ाया है, तो ये सुधा का फर्ज हो जाता है कि वो उससे प्यार करें, जरूरी नहीं है। आखिर कौन थे वो संगीतकार जो गुमनाम रह गए, लेकिन जिन्होंने लता मंगेशकर को प्लेबैक सिंगिंग में दिया ब्रेक। जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।